अपनी सत्ता को कायम रखो, अपनी ही सत्ता में रहो, ठीक है, दी हुई सत्ता में बिल्कुल ना। अर्जुन, सब भूतों के हृदय में मैं निवास, इधर से आ जाओ ना आप लोग, कोई बात नहीं, मैं निवास करता हूँ सब भूतों के हृदय, बस तुम्हारे में नहीं करते हैं, या तुम्हारे में भी करते हैं। किसको भगवान की निकटता मिली है, हाथ उठाए, निकटता मिली, बताओ कैसे मिली? नमो शिवाय नाम जाप करते थे ना, तो बहुत दिक्कत हो रहा था, मतलब 3 साल से परेशान है, कहीं भी मतलब ठीक नहीं हो रहे थे। यहाँ पर आकर के जब ज़्यादा शरीर लग रहा था कि अब काम नहीं करेगा, तो लास्ट टाइम हम यहाँ पर आए, तो जिस दिन से आए हैं आज 6-7 दिन हो गए हैं, 7 दिन से यहीं पर रहते हैं और यहीं पर जाप करवा रहे हैं, आपके पास आए हैं ना, तो बहुत दिक्कत हो रहा। और पहले जो था ना, कभी मतलब ज़्यादा शरीर में दर्द हो रहा था, दुख हो रहा था, और कभी कम हो जा रहा था, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि देवी देवता और भगवान हमको दुख दे रहा है या पितृ देव और जो भी है। मेरा सवाल नहीं समझे, मैं कुछ और पूछ। हमने कहा आपको भगवान की निकटता का पता चलता है, किसको पता चला है, ये जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से, कि भगवान हमारे निकट है, ठीक है, या ऐसा कोई वाक्य कि जिसमें हमें लगा कि भगवान ने हमारी एकदम से सुन ली, कि हम ये बातें थे, ये बातें दिमाग में आती थी, कैसे सुन ली? कोई काम जैसे कि कोई बिगड़ा हुआ काम होता है हमारा, भगवान से कहते हैं तो भगवान कुछ हो जाए, कुछ मतलब अच्छा हो, चाहे मेरा लड़का ठीक हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे हमें वैष्णो माता जाना था, किसी का स्टेटस देखती थी तो मेरा बड़ा मतलब मन में श्रद्धा होती थी कि मैं जाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पाती थी। एक जगह से अचानक ऑफर आ गया, एक दिन पहले ही, और फ्री में मैं चली गई वैष्णो माता, और वहाँ से घूम के आ गए, और बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैंने माँ बुलाती है या कोई भी देवता बुलाते हैं, ये हम सोचते थे कि मतलब मुझे कब बुलाएंगे, लेकिन अचानक से बुलाएंगे, तो ये चीज़ें एहसास कि बुलाते हैं और है भी, बुलाते हैं और है भी। और किसी को बहुत सारी निकटता महसूस हुई कभी भगवान? भैया, हमको जिसे ये बैठे बैठे भगवान के ध्यान लगाते हैं, हम समझ में आता है कि दिखाई दे रहे हैं। और कौन हाथ उठाए थे बताइए? राम राम, मारे इतनी दिक्कत है, मान ली अब इसी जन जो बहुत तकलीफ में थी, दर्शन धाम पाए न, उसमें काफी फर्क पड़ा है, मगर इस चीज का पता नहीं लगे क्या चीज है, मान ले शरीर में लीड गेट दिया कर दीजिए। क्वेश्चन आप नहीं समझ रहे, भगवान की निकटता की बात हो रही है। निकटता ये है जी, मान ले पहला बहुत दिक्कत थी, इसके भगवान के नाम लिए ना, जब जो तो काफी फर्क पड़े ना, तो इस दिन रात ऐसे हाल लिया करती जी, ठीक है, भगवान का नाम ना ले पाया, नहीं उसके जिस टाइम भगवान के नाम शुरू किए ना, उस टाइम से इसका फर्क पड़ता रहे जी। मान ले सपने में भी दिखा करते, सपने में बताया करते भाई इस चीज का इतना हाल है, इतना ठीक हो जाए, इतना ही नहीं हो जाएगी, बताइए। निकटता तो मेरी शुरू से ही उनके चरणों में रही है, लेकिन मेरे को 20-22 साल से ये नाम लेने के बाद में दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई, मुझे ये नहीं समझ लग रहा था कि ये दिक्कत मुझे क्यों आ रही है और इसका कारण क्या है। सिमरन भी निरंतर चलता था मेरा, प्रभु के ऊपर विश्वास भरोसा और सब कुछ था मेरे पास, लेकिन ये जो मेरे को दिक्कत आई, जहाँ पर मन्नू भैया के धाम में मुझे आके पता चला कि ये क्या चीज़ है, मुझे खुद भी समझ नहीं लग रही थी कि ये मुझे क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन नहीं समझ रहे, वो वही प्रॉब्लम अपना कि हम 20 साल जब ये बताइए, ये मेरी दीदी ना वैष्णो देवी जा रही थी, फिर मेरा भी बहुत मन था जाने का, तो मेरा जाना पॉसिबल नहीं था, फिर मैं इसको पैसे दी कि प्रसाद चढ़ा देना, और जिस दिन ये गई वैष्णो देवी दर्शन करने, उसी दिन मैं सपने में दर्शन करी और 3 देवी आई थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि वैष्णो देवी में 3 देवी है, तब फिर ये आके बताई कि 3 देवी वाकई में है। ये थोड़ी निकटता की बात है ना,
बहन जी ने अपने प्रसाद के पैसे दिए और उनको देवी के दर्शन हुए स्वप्न में। सच में मैंने वहाँ जाके बहुत ज्यादा एहसास हुआ कि हाँ माता रानी, क्योंकि दूसरे के नाम आ ही नहीं रहा है वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, है ना? कितनी बड़ी बात। हाँ वही तो पूछना हूँ मैं। पाँच छह साल पहले तो मैंने बोला भगवान तूने कहाँ फंसा दिया, गांव नहीं था आसपास में कोई, तो विष्णु भगवान मेरे सामने आके खड़े हो गए और एक सूर्य की चमक आई मेरे पीछे। मैंने कहा ये क्या आ गया, मैं पीछे देखता तो सूरज गायब हो जाता। ऐसे मैं एक दिन रामसूत्री पढ़ रहा था बड़े जोर जोर से, तो हनुमान जी प्रकट हो गए। मेरा मंदिर थोड़ा ऊपर की तरफ बनाया हुआ था मैंने, तो उसमें ऐसे पाँव हिला रहे और मेरे पीछे कूद के आ गए। मैंने कहा हनुमान जी कहाँ से आ गए। ऐसे एक बार मैं वो भजन कर रहा था तो एक माता आ गई, मैं चांदी का मुकुट पहना था, लाल सी साड़ी और इतना बड़ा थाल था उनके हाथ में और कुछ ऐसे करके ढका हुआ था, सोने का कुछ लग रहा था कपड़ा टाइप में, और वो मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं देख रहा ये माता कहाँ से आ गई एकदम से, आश्चर्यचकित रह गया मैं। और एक दिन भोलेनाथ मैं एक मंदिर में गया तो मुझे कुछ क्या हुआ मुझे नहीं पता, एक बहन जी रो रही थी तो मैंने भगवान से कुछ मांगने के लिए गया था। मैं बोला भगवान, तो मैं कुछ मांगने लगा इतना वो जोर जोर से रो रही थी, तो उसको प्रेत बाधा थी बहुत ज्यादा, तो मैं बोला भगवान मुझे मत दे इसको दे दे। मैं बड़ी ऐसे दिल से करने लग रहा, तो भोलेनाथ जी प्रकट हो गए वहां पर, नंदी जी उनके साथ में थे, त्रिशूलिया था, पार्वती माता नहीं थी, निरंजन नाथ बाबा उनकी मूर्ति लगी हुई थी वहां पर। तो ऐसे मैंने दर्शन काफी बार किए और मैं जैसे भी मुझे महसूस करता था ना भैया, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, एकदम मेरे रोंग रोंग खड़े होने लगता, तो ऐसा मन करता था। मैं अंतर ध्यान में एक बार मेरा अंतर ध्यान लगा तो मैंने देखा कि हमारे अंदर ही भगवान है, वो है ना शिवजी रूप में है, उनके ना ऐसे ना बाल है जटा से ऐसे बांधा हुआ है और ऐसे करके पूरा मैंने उनको देखा था एक बार। और मैं आर्मी में नौकरी करता हूँ। और किसका भैया, काला रंग का क्या बोलते हैं, आप भी देखे हैं, आपको भी दो बार देखे हैं, उल्लू आने से पहले यहाँ पे उल्लू के रूप में देखा नहीं आपको, ऐसे दो बार देखे हैं उल्लू के रूप में नहीं, ऐसे जैसे बैठे ऐसे सब सब दिखाई दिए, ऐसे ही बैठा था, मेरे पास सपने में गए थे। अच्छा ठीक, इसके लिए तालियां बजा दो, जब तक नहीं बजाओगे बताता रहेगा। और बताओ किसका अनुभव चकित करने वाला है भगवान को लेके, वो बताएंगे भैया जी। हमारे और एक हमारे पड़ोसी को लेकर आता हूँ आपके यहाँ इलाज कराने, सपने में आप हमारे रूम में ना जाके इनके रूम में कुर्सी पर बैठ गए हैं, मैं इनके रूम में जाकर आपका पांव छुआ हूँ, वही पिछले हफ्ते की कहानी है। मैंने बताया कि भाई हमारे को तो दर्शन ना कि हम याद करें, तुम्हारे रूम में जाके बैठ गए, तो इन्होंने उठा बोला कि हमें तो दर्शन ना दिए, हमारे रूम में बैठे हमें ना दर्शन दिए। मैंने बोला कि मैं तो आया, मेरी पत्नी भी आई है, ये दोनों आदमी, इनसे मैंने कहानी बताया कि देखो मनु भैया आए हैं, आइए इनके बगल में जाके इनके रूम में बैठ गए, मैं पांव भी छू लिया, आइए करिए कि हमें दर्शन दिए, ये पिछले हफ्ते की कहानी है। तो मुझे लेके भगवान को लेके बताना, भगवान के लेके तो मैं जिनको चाहता हूँ वो तो दर्शन ना देते हैं, कोई महात्मा दर्शन दे रहे हैं तो कोई और देवता दे रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं जिनका जाप कर रहा हूँ तो दर्शन ना दे रहे हैं, लेकिन कोई महात्मा दर्शन दे रहे हैं, कोई साधु दे रहे हैं, ऐसे लोग दिख रहे हैं, सपने के मतलब। बात निकटता की थी, अगर निकटता की बात करें तो इस जी का अनुभव इसका हाँ। सबसे बढ़िया है निकटता का, और किसी का अनुभव है निकटता का? तुम विश्व से भटक रहे हो, कहीं कहीं जा रहे हो, आए नहीं समझ में, गौर से निकटता का अनुभव क्या होता है? ठीक है, मैं दुखी हूँ, मेरा कोई काम हो नहीं रहा है, परेशानी है, ठीक है, मैं चल नहीं पाती, मेरे से कुछ होता नहीं, सब डरे हुए थे कि ये जाएगी कैसे। अच्छा अच्छा, लेकिन 32 किलोमीटर का दूरी हम लोग तय कर लिए पैदल, ये सबसे चकित करने वाली बात। 32 किलोमीटर कहाँ है वहाँ? 16 किलो पूरा, जहाँ से वहाँ से कटरा उतरते हैं वहाँ से लेके दर्शन करते समय फिर भैरव जी को उतना ऊपर चढ़ाई करना है, डरे हुए थे कि क्या हो गया, कोई खबर नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं इससे। मैं तो भाई एक बार वैष्णो देवी गया था, नीचे से ऊपर तक दो दर्द की गोली खा के चला था, नहीं रात तक हम पैर ना ऐसे पिचक जा रहे थे नसों के खिंचाव। अच्छा वहाँ जब वैष्णो देवी का मंदिर ऐसे रह गया ना आधा किलोमीटर की दूरी पे, तब सांस फूल की मकाबली जाया जाएगा वहाँ।
फिर भी चला गया साथ भाई। तो सबका छूट रहा है लेकिन माता का साथ वहाँ पे फिर है। जो पैर भर के कभी चलते तो है नहीं, फिर जब वहाँ से और भैरव देवी पे जाने लगे ना, भैरव बाबा पे, तब बिल्कुल सांस फूल गए। तब तो ऐसे आया था भैरव बाबा तुझे धक्का दे के नीचे उतार दूं, ठीक है ना, ताकि लोगों को भैरव देवता यहाँ ना मिले इतनी ऊंचाई। नहीं तब तो ऐसा आ रहा था मेरे को कि भैरव बाबा को नीचे बैठा दूं किसी तरह। शाम को नीचे आया मैं तो मेरे बराबर में एक आदमी बैठा था, बोला भाई अब पहुंचाऊ। मैंने सोचा वो उतर गया तो मेरे से भी पहले आ गया। मैंने कहा मैं 7 बजे चला था, आप क्या बजे चले थे? बोला मैं तो 8 बजे चला था यहाँ से। मैंने कहा यार ये तो धिक्कार है मुझ में, सुन रहा है ये बूढ़ा आदमी मेरे से भी पहले जाके मेरे से भी पहले आ गया, ठीक है। मैं बोला ताऊ ले मूंगफली खा। मैंने कहा ताऊ तूने कमाल कर दिया, तू 7 बजे जाके 8 बजे जाके और तू मेरे से भी पहले आ गया 7 बजे। हम तो मैंने कहा यहाँ से 6 बजे चले थे और मैं आप पहुंचा। बोला भाई मैं आज सवेरे वहां से उतरना चालू किया तब यहाँ अब इस टाइम पहुंचा हूँ। कल सवेरे मैंने चढ़ना चालू किया था तब वहां रात को पहुंचा था। मैंने कहा अब भाई जान में जान, मैं तो अपने आप को ये समझता था मैं तो उस बुड्ढे से भी गया गुजरा हूँ। हाँ बोले भाई मेरा तो एक दिन चढ़ने में लगा है, ठीक है, 10-12 घंटे और एक दिन उतरने में लगे, तब मेरी जान में जान आई। भाई मैंने दर्द की 2 टेबलेट खाई, उतरा चढ़ा तो एक ही दिन में, ठीक है कि नहीं? हाँ लेकिन समझ में नहीं आता ना, दर्शन कुछ क्षण भर के होते हैं और केवल आदमी का भागना ही भागना रहता है। मैंने तो फिर कहीं भी जाना छोड़ दिया, मुझे तो कोई देवता दर्शन देता नहीं। मैंने सोचा मेरे भाग में ही देव दर्शन लिखा नहीं है, ठीक है ना, इससे अच्छा तो मैंने कहा कहीं जाओ माता पहले ही फोड़ लूँ अपना कहीं जाने से पहले, कहाँ के दर्शन होते हैं। एक दिन कामाख्या में गया, जब उसमें घुसने लग गया तो किसी ने पकड़ के बाहर खींच लिया, दर्शन ही नहीं होने दिए। मैं बोला क्या? बोले यहाँ 500 रुपये के दर्शन होते हैं, यहाँ ऐसे नहीं होते। 500 रुपये दिए तब अंदर गया, पैर ही पड़ा था इतनी देर में, दूसरे ने खींच लिया, बोले तेरे 500 पूरे हो गए चल बाहर निकल, ठीक है कि नहीं? ऐसे एक दिन वहां गया कान्हा जी के दर्शन करने, ऊपर मैं बता रहा था नीचे गौशाला दिखाते हैं 100 रुपये लेते हैं, दर्शन करने देते नहीं, दर्शन के अलग लेते हैं। दर्शन से पहले ही बहुत सारे पंडे मिल जाते हैं, पहले ही ठगने लगते हैं, ये कर भाई ये कर भाई ये कर, और दोष भी बताने लगते हैं, तेरे पितृ दोष है, तेरे फलाना दोष है, तेरे ये दोष है, तेरे वो दोष है। ठीक है, मनहर यादव जी ने तो कसम खा ली इस धुणे में ही सारे दर्शन कर लेंगे, ठीक है कि नहीं? इस धुणे में ही सारे दर्शन कर लेंगे भाई, ठीक है। कोई पकड़ के उल्टा खेत रहा है, कोई कैसे खेत रहा है, कोई कैसे। फिर एक बार बालाजी चला गया, देखा मैंने एक बूढ़ा सा संभ्रांत परिवार था, पढ़ा लिखा आदमी था, उसके बेटे की बहू थी। अब उसके बेटे की बहू को किसी ने मार दिया खींच के जोर से डंडा, जो वहां वे सेवक रहते हैं ना, चल आगे चल आगे चल आगे। उसकी गोद में एक बच्चा था, वो बच्चा भीड़ में नीचे गिर पड़ा, उस वो बूढ़ा बच्चे के ऊपर गिर गया। अब उसके इतने लठ बरसाए ना, वो बच्चे को उठा नहीं पाए। फिर वहां भगदड़ भी मच गई और लोगों ने हाय 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 भी मचा दी। तब मैंने देखा क्या देव दर्शन हुआ जी, बताइए क्या देव दर्शन हुआ? ये बात बालाजी की है, क्या देव दर्शन हुआ? आदमी अपनी आंखों से ऐसे ऐसे दृश्य देख लेता है। नहीं फिर तो कई बार ऐसा होता है, हम करने तो देव दर्शन जाते हैं, वाह हो कुछ और जाता है कि नहीं? एक बार मैं किसी अमीर आदमी के साथ चला गया, उसका 22,000 रुपए का चश्मा बंदर ने उतार लिया बाकी ध्यान में, ठीक है। अब दर्शन पे ध्यान थोड़ी ना, चश्मे पे ही तो ध्यान रहेगा, दर्शन पे कहाँ ध्यान रहेगा, वो दर्शन नदारद हो जाता है। नहीं जी है, ऐसा कोई मंदिर होता है जहाँ जाके शांति के साथ बैठ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, वो प्रसिद्ध नहीं होता। फिर क्या कहते हैं कि केवल जहाँ प्रसिद्ध है वहीं के दर्शन अच्छे, ठीक है कि नहीं? माता के 108 मंदिरों पे जाओ, यही जी 12 ज्योतिर्लिंग पे जाओ, 4 धाम में जाओ, बांके बिहारी जाओ और वहाँ जाओ, ये सब जाना बहुत भारी सा लगता है मुझे तो। मैं तो अपने घर में बैठ के भजन कर लूँ। बोलो शंकर भगवान शनिदेव महाराज, यहीं बैठो। आजकल तो इतनी सुविधा है, यूट्यूब पे फोन पे किसी भी मंदिर के मूर्ति के दर्शन कर लो सच्चे मन से। बोला माँ तेरी सदा ही जय, हे माँ तेरी सदा ही जय। मन ही मन घेर दो गांधी जी का 500 रुपए वाला नोट, मन ही मन घेर दो।
अब ना तो खर्चने की जरूरत है, ना लगाने की जरूरत है और ना जाने की जरूरत। मनी मत 500 गुरुदेव मनु भैया जी की सच्चे दरबार की जय। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। भाई ये चाय मांग रही है, ये फूल चाय मांग रहे हैं, समझ लो तुम, चाय पिला दो सबको। हो गया भाई, कब का हो गया तू, काहे लिए खड़ा है इसको।